गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर मार्च 2019 का रियल क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये पार्ट 14 है, इसके पहले मैं 13 पार्ट तक कंप्लीट कर चुका हूँ। यदि अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं 2014 से लेकर 2020 तक इंडियन नेवी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं डबल ए SSR और MR का, सबका मैं प्रीवियस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और साथ में सभी का PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल SS डिफेंस एकेडमी पर अपलोड कर दिया हूँ। फ्रेंड्स, आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर SS डिफेंस एकेडमी सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन होकर सभी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था, तो आंसर होगा रावी नदी के किनारे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, कश्मीर में ताजे पानी का झील कौन सा है, तो ये है डल झील। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो का मंदिर किसने बनाया था, तो आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों ने। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका हो जाएगा MLT के पावर -1। फाइव नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, OMR का फुल फॉर्म क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। सिक्स नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा नाई पेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेवन्थ नंबर, लोहे को जंग से बचाने हेतु किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो ये है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। एट नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बाबूजी किसका उपनाम है, तो आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ हैं, तो आंसर हो जाएगा 24। टेंथ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जापान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो आंसर हो जाएगा चेरी ब्लॉसम या इसे सकुरा भी बोला जाता है। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य छपेली चंबा डंडा नाम ये प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी इसमें होगा वहीं आंसर होगा। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, उमा शंकर दीक्षित का संबंध किससे है, तो ये एक राजनीतिज्ञ थे। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा था, आंसर होगा कंगारू। 14 क्वेश्चन पूछा गया था, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशियाई रुपया। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आंसर हो जाएगा, जब ये एग्जाम हुआ था उस टाइम रंजन गोगोई थे, अभी बदल गए हैं, जस्टिस बोबड़े हैं जो 47वें नंबर के हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, CPR का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर हो जाएगा कार्डियो प्लोमोनरी रिसिस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 18 नंबर, चीन के प्रधानमंत्री कौन है, तो आंसर हो जाएगा ली क्विंग, यदि राष्ट्रपति पूछता तो आंसर हो जाएगा सी जिनपिंग। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, SI यूनिट ऑफ पावर, पावर का SI यूनिट क्या है, तो आंसर हो जाएगा वाट। 20 क्वेश्चन पूछा था, करेंसी ऑफ सिंगापुर, तो आंसर हो जाएगा डॉलर। 21 क्वेश्चन पूछा गया था, लेबनान के राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर हो जाएगा मिशेल A1। 22 क्वेश्चन पूछा गया था, रेडियो एक्टिविटा का खोज किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरेल। 23 क्वेश्चन पूछा गया था, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। 24 क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम किस राज्य की लोक नृत्य है, तो ये है केरल का। 25 क्वेश्चन पूछा गया था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का रचनाकार कौन थे, तो आंसर होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। 26 क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर होगा बाणे भट्ट। 27 क्वेश्चन पूछा गया था, रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।